Our understanding is that after a meeting. जी हाँ, बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी तब जबकि सेना ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि सारी जिम्मेदारियां हम अपने हाथों में ले रहे हैं। पुलिस सड़कों पर से नदारद है, सेना उतरी नहीं है, दंगाइयों के मन में जो आ रहा है वो करते नजर आ रहे हैं। अराजकता की आग सीधे तौर पर बांग्लादेश में नजर आ रही है और एक बड़ी बात यह कि हिंदुओं को भी बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। बंग हिंदू कॉन्क्लेव टीवी 9 भारतवर्ष पर लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना करीब 42 घंटों से भारत में हैं। 5 अगस्त को भारत आने के बाद से वो अब तक यहीं हैं और अगले 48 घंटे में ये फैसला करेंगी कि उन्हें जाना कहां है। लेकिन इस बीच सवाल ये खड़ा होने लगा है कि क्या एक मुस्लिम देश की पूर्व प्रधानमंत्री से इस्लामिक देशों ने किनारा कर लिया है? क्या 57 देशों ने हसीना को अकेला छोड़ दिया है? सवाल इतना ही नहीं है, सवाल तो ये भी उठने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने तो साफ साफ कह दिया है कि भले ही चीजें शांत दिख रही हैं, लेकिन भारत में भी ऐसा हो सकता है, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। वही कंगना रनौत और शुभेंदु अधिकारी ने क्या शंका जताई है ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे और हमारे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद रहे। जी हाँ, और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। 48 घंटे में भारत छोड़ सकती हैं शेख हसीना, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूरोप के किसी देश में जा सकती हैं पूर्व पीएम शेख हसीना, फिनलैंड या रूस भी जा सकती हैं शेख हसीना। देखिए, रूस का जो नाम आया है ये अपने आप में नया है, क्योंकि इससे पहले ये बात हो रही थी कि यूके या फिर फिनलैंड का रुख वो कर सकती हैं असाइलम मिलने के बाद। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि फिनलैंड या रूस जा सकती हैं शेख हसीना भारत से।